बोरोसिल रिन्यूएबल, एक ऐसा कंपनी इंडिया के अंदर एक मोनोपोली क्रिएट करता है और ये कंपनी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करता है और इंडिया के अंदर टॉप टॉप जो क्लाइंट है उसको भी ये सप्लाई करता है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो वहाँ पे 95% मार्केट कंट्रोल किया जाता है आपका चाइना की द्वारा। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिसेंटली 4500 करोड़ का PLI स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया है जिसके थ्रू सोलर मॉड्यूल यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 7 ऐसा रीजन के बारे में जिसके चलते आप बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जान लेंगे 2 रिस्क के बारे में जो बोरोसिल रिन्यूएबल को फ्यूचर में देखना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रीजन है जिसके चलते आप बोरोसिल के अंदर निवेश करेंगे वो है कंपनी का मोनोपोली बिजनेस। यस, तो इंडिया के अंदर एक इकलौता ऐसा कंपनी है जो ये सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं। फ्यूचर में हालांकि कंपटीशन आ सकता है लेकिन जिस तरह से बोरोसिल एग्रेसिव है बिजनेस को लेके तो वहाँ पे कंपटीशन उतना ज्यादा कंपनी को इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लो आयरन सोलर ग्लास, एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास वैरायटी ऑफ रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो सोलर पैनल के साथ साथ यहाँ पे ग्रीन हाउस में भी यूज होता है। अगर आप पुराने समय की बात करें तो तब कंपनी यहाँ पे साइंटिफिक से लेके कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये सब मैन्युफैक्चर करता था, लेकिन समय के साथ साथ कंपनी यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल इंडिया के अंदर सबसे पहला और एकलौती कंपनी है जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करता है, साथ ही साथ उसको सेल भी करता है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा रीजन है जिसके चलते आप बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर निवेश कर सकते हैं वो है जियोग्राफिकल एक्सपेंशन इन बिजनेस। अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल का रेवेन्यू देखते हैं तो 77% जो रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे अर्न करते हैं वो इंडिया से ही करते हैं और 23% रेवेन्यू कंपनी एक्सपोर्ट के थ्रू जनरेट करते हैं। एक्सपोर्टेड कंट्री की बात करें तो यहाँ पे USA से लेकर टर्की, यूरोप के अंदर भी कंपनी यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट जारी रख रहे हैं। और स्पेशल यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे 33% का CAGR ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर। बहुत ही तेजी से यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल अपना जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट भी देखेंगे बहुत ही तेजी से वो उसको ग्रैब कर रहे हैं। और कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात के अंदर है और इंडिया का 40% मार्केट शेयर ये गेन करते हैं और बाकी 60% क्या होता है इंडियन जो कंपनी है वो इंपोर्ट करते हैं बाहर दूसरे कंट्री से, तो दूसरे कंपनी से वो लेता है और 40% जो मार्केट शेयर आपको दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर तो सारे कंपनी यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल से ये प्रोडक्ट लेते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी जान लेते हैं वो तीसरा कारण जिसके चलते बोरोसिल के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, वो है कंपनी का फ्यूचर प्लान, साथ ही साथ कंपनी का कैपेसिटी। 2018 की बात करें तो 2018 तक कंपनी का जो कैपेसिटी था वो 180 टन पर डे का था और 2019 आते वो 450 टन पर डे के हिसाब से हो गया है। जो कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 गीगावाट पर एनम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। और 2020 में इसका नाम चेंज हुआ, जो नाम पड़ा यहाँ पे रिन्यूएबल जो नाम ऐड किया गया उसके अंदर, और 2022 के अंदर ये जो कंपनी का लक्ष्य यहाँ पे रखा है वो 1000 टन पर डे का यहाँ पे रखा है और ये जो कैपेसिटी की बात करें वो 5 गीगावाट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 2024 तक ये जो पर डे का कैपेसिटी है उसको 2000 टन तक ले जाने का यहाँ पे लक्ष्य कंपनी ने रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपको ये 2 से 3 गुना होते हुए दिखाई दे रहे हैं विद इन 3 to 4 ईयर्स। ये जो ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है इसके अंदर कंपनी का काम भी चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है सोलर ग्लास का रिसेंट कंडीशन में, इसीलिए कंपनी का कोई भी स्टॉक नहीं रहता है, जो भी बनाता है वो सेल हो जाता है, इसीलिए कंपनी को जबरदस्ती अपना जो एक्सपेंशन है उसको लगातार इंक्रीज करना पड़ रहा है। इस तरह से कंपनी अपना जो एक्सपेंशन जारी रहेगा तो दूसरा कोई कंपटीशन इंडिया के अंदर बहुत जल्दी कंपनी को दिखाई नहीं दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा कारण है वो है नया प्रोडक्ट लॉन्च, क्योंकि बोरोसिल रिन्यूएबल एक पर्टिकुलर ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी के हिसाब से जाना जाता है लेकिन ग्लास के अंदर भी डिफरेंट वैरायटी कंपनी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर आप नया लॉन्च की बात करें तो यहाँ पे कंपनी एंटी क्लियर सोलर ग्लासेस भी कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं जो स्पेशली एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा और एक प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है शक्ति, जो हाई एफिशिएंसी सोलर ग्लास है जो मैट फिनिश्ड कहलाता है।
साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे एंटी स्वेलिंग कोटेड ग्लास भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कंपनी के लिए नया है। उसी के साथ कंपनी यहाँ पे एंटीमोनी फ्री सोलर ग्लास भी बना रहा है, जिसके अंदर कंपनी ने पेटेंट भी ले चुका है और ये बहुत डेंजरस होता है एक सोलर ग्लास के लिए, और बोरोसिल ऐसे कंपनी है जो ये इसको उठा सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे जिस तरह से नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कारण है जिसके चलते बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, वो है कंपनी का मैनेजमेंट। यस, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जो मिस्टर प्रदीप खेरुका है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो करीब करीब 40 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और कंपनी का जनरेशन वाइज ये कंपनी ये वहाँ पे संभाल रहा है, और मिस्टर यहाँ पे प्रदीप खेरुका यहाँ पे सेकेंड जनरेशन माना जाता है। साथ ही साथ बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अंदर और एक जो खास बात है, कंपनी का जितना भी सीनियर मैनेजमेंट आप देखेंगे वो बहुत पुराने दिनों से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ कंपनी का थर्ड जनरेशन भी, जो खेरुका फैमिली का थर्ड जनरेशन भी कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी देख लेते हैं वो सिक्स्थ कारण। सिक्स्थ कारण यहाँ पे दिखाई देगा कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। अगर आप इंडिया की बात करें तो जून 2021 तक इंडिया के अंदर 384 गीगावाट का कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे एनर्जी लगता था, उसमें से थर्मल 234 गीगावाट, रिन्यूएबल की बात करें तो वहाँ पे 97 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा, जो करीब करीब 25% यहाँ पे आता है। तो 97 गीगावाट के अंदर सोलर का कितना हिस्सेदारी था, 42 गीगावाट, जो करीब करीब 44% आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट देखेंगे तो वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि 175 गीगावाट का रिन्यूएबल करने वाला है 2022 तक, उसमें से सोलर की बात करें उसको करना है 100 गीगावाट का। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा सोलर के अंदर। अगर आप 2030 की बात करें तो जो 100 गीगावाट का कैपेसिटी अभी दिखाई दे रहा है 2022 तक, वो बढ़ के 300 गीगावाट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि 2030 तक ये जो ग्रोथ है वो 7 टाइम्स होने वाला है। तो रिसेंट कंडीशन में सोलर का जो कैपेसिटी है वो 7 टाइम्स बढ़ने वाला है विद इन 7 to 8 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसके अंदर बोरोसिल रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूट की बात करें तो रिसेंट कंडीशन में 2 गीगावाट सप्लाई के हिसाब से अभी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत ही कम है। तो जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो बहुत तेजी से हो सकता है बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पे सेवेंथ रीजन जिसके चलते आप बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर निवेश कीजिए, वो है कंपनी का कस्टमर बेस। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर करीब 100 से भी ज्यादा डोमेस्टिक कस्टमर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टाटा पावर, अदानी ग्रीन जैसे बड़े बड़े कंपनी का नाम इसमें शामिल है। अभी ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली आप देखेंगे तो रिसेंटली कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, यूएस के अंदर और भी बहुत जगह पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रसिया, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, कुछ कंट्रीज के अंदर कंपनी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट अभी बहुत सस्ता भी हो चुका है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा सस्ता दिन ब दिन हो रहा है। तो इसलिए एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा सा टक्कर दे सकता है चीन को। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 33% CAGR की दौर से ये ग्रो कर रहा है एक्सपोर्ट के मामले में, तो फ्यूचर में ये जो ग्रोथ है और भी तेजी से आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर में और भी स्ट्रांग होने का चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर रिस्क की बात करें तो फ्यूचर में कुछ रिस्क कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा रिस्क कंपनी को चाइना से मिल सकता है, क्योंकि चाइना के ऊपर 95% ग्लोबल मार्केट यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो चाइना के अंदर यहाँ पे क्या प्राइस का थोड़ा सा कंट्रोल है, तो प्राइस को लेके फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपका बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मलेशिया से लेके वियतनाम, ये भी कंपनी यहाँ पे सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा रिस्क कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो है यहाँ पे प्राइसिंग पावर। कंपनी के ऊपर कोई भी ज्यादा प्राइसिंग पावर है नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्राइसिंग फ्लक्चुएट होता है, तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स को भी प्राइस के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होगा। मार्जिन में ऊपर इफेक्ट होगा तो नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होगा, तो शेयर के ऊपर ऑटोमेटिक थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये दो रिस्क कंपनी को दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो वीडियो के अंदर जो 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, दो रिस्क के बारे में बात किया उसके ऊपर भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। हालांकि वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ
एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।